हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ एक ऐसे एसिड के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन वो एसिड कौन कौन से हैं और आपकी स्किन पर किस तरह से वर्क करते हैं, आपको कौन सा एसिड कौन सी स्किन के लिए यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आप अपने लिए अपनी स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। यानी कि आपको स्किन की जो भी प्रॉब्लम है आपको उस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर गलती हम ये कर देते हैं, अगर हमें एक्ने हो रहा है, पिंपल हो रहा है, तो फिर कोई भी बता देता है एक्ने पिंपल की क्रीम तो वो यूज़ कर लेते हैं। उससे कभी कभी क्या होता है, एक्ने पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी स्पॉट हो गया है तो कोई स्पॉट के लिए कोई भी क्रीम बता देता है तो वो यूज़ कर लेते हैं, उससे स्पॉट नहीं जाते हैं। कुछ टाइम तक भले ही चल जाएँ फिर वापस आ जाते हैं। आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, आप 30+ के हो गए तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट एंटी एजिंग के, आजकल बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं वो यूज़ कर लेते हैं, उनसे भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो फिर कुछ एक ऐसे एसिड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। आप अगर इन्हें यूज़ करेंगे और जो भी प्रोडक्ट हैं उनको स्किप करने के बाद में, तो ये आपकी स्किन को पूरा पूरा फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी हाइलूरोनिक एसिड के बारे में। ये एक ऐसा एसिड होता है जो हाइलूरोनिक एसिड हमारी स्किन में होता है, और जब हम 40+ के हो जाते हैं तो 40 तक पहुँचते हमारी जो स्किन है वह उसमें से हाइलूरोनिक एसिड कम से कम 50% कम हो जाता है। तो अगर आप हाइलूरोनिक एसिड की जो भी क्रीमें हैं, जेल हैं और सीरम हैं, अगर आप अपनी स्किन पर उनको यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन काफ़ी और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जवान बनी रह सकती है, आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होंगी और लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन जवान बनी रह सकती है। बजाय आप और क्रीमों को यूज़ करने के बजाय आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें ये देख लें इंग्रेडिएंट्स में कि उसमें हाइलूरोनिक एसिड ज़रूर हो, क्योंकि ये आपकी स्किन को नमी देता है। और हाँ, पिंपल्स के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को ड्राई करके जितनी भी एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट है उन पर भी वर्क करता है। सेकेंड एसिड है कोजिक एसिड। अगर आपको अपनी स्किन का शेड 1 से 2 शेड लाइट करना है, अगर आपको मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है, वो आपको अपनी स्किन से ख़त्म करनी है, तो आप कोजिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा देख लीजिए, कोई भी जेल क्रीम ऐसा देख लीजिए जिसमें कोजिक एसिड हो। आप मेडिकेटेड भी देख सकते हैं, मेडिकेटेड में भी कोजिक एसिड होता है, वरना आप केमिकल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं उनमें भी कोजिक एसिड होता है। लेकिन ख़रीदने से पहले इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक कर लें। कोजिक एसिड बिल्कुल ही सेफ होता है आपकी स्किन के लिए और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप कोजिक एसिड के अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करिए, तो इससे धीरे धीरे आपकी स्किन का कलर भी लाइट होगा। ये क्या करता है कोजिक एसिड, आपकी स्किन के अंदर जाकर के मेलानिन जो होता है उसको कम करता है, और आपकी स्किन पर अगर ब्लैक स्पॉट हैं तो उन्हें ख़त्म करता है धीरे धीरे और दोबारा बनने से रोकता है। फिर ये कोजिक एसिड वर्क करता है हमारी स्किन पर इस तरह से, तो इसको इन सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जा सकता है। फिर बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, अगर आपकी स्किन पर जितनी भी डेड सेल्स हैं यानी कि जो मृत कोशिकाएं हैं उनको निकाल देता है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, आपकी स्किन ऑयली है, तो उस ऑयल को कंट्रोल करता है। उसके साथ ही आपकी स्किन जो भी बहुत ही बेजान स्किन होती है जिन पर ग्लो नहीं होता है, तो आपकी स्किन पर ग्लो ले करके आता है। आप जब भी सैलिसिलिक एसिड के कोई भी जेल या क्रीम अपनी स्किन के लिए खरीदते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में ये चेक कर लें, 0.5 से लेकर के 2% उसमें सैलिसिलिक एसिड हो। ये आपकी स्किन की अच्छे से रिकवरी तो करता है, ये साथ ही साथ आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है। अगर आपको स्किन से रिलेटिव कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर सकती हैं। फिर फोर्थ एसिड होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कुछ खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ये दही में भरपूर पाया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर डार्क पैचेस पड़ गए, आपकी स्किन अनइवन है, तो फिर आप दही का यूज़ अगर अपने फेस पर रेगुलर करती हैं, बहुत ही ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, ये जो भी एसिड हैं ये बहुत ही स्लो वर्क करते हैं लेकिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के परमानेंट रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ऐसे जिनको शायद काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा, यूज़ करने के बाद में अपनी स्किन ख़राब भी की होगी, लेकिन इनको यूज़ करने के बाद में आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म होगी परमानेंटली, हमेशा के लिए। तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, उसके अलावा प्याज में, नींबू में, खट्टी जो भी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। आप इनको खा भी सकते हैं और अपनी स्किन पर लगा भी सकते हैं। खाने से ये फ़ायदा होगा, अंदर से भी आपकी स्किन पर ये वर्क करेंगे और बाहर से यूज़ करने से भी वर्क करेंगे। और लैक्टिक एसिड के भी काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, जेल आते हैं, क्रीम आती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम में। ये आपकी स्किन पर जितनी भी पिगमेंटेशन है उसे ख़त्म करते हैं, ऑयल को कंट्रोल करते हैं, आपकी स्किन का जो
सेड है उसे लाइट करते हैं। उसके साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो ये आपकी स्किन को टाइट करते हैं, आपको और काफ़ी टाइम तक जवान बनाए रखते हैं। फिफ्थ एसिड होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड अगर आपको एक्ने पिंपल है किसी भी, और एक्ने पिंपल्स के जो गड्ढे हो जाते हैं या फिर एक्ने पिंपल के जो स्पॉट हो जाते हैं उनमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड के आपके काफ़ी तरह की जेल और क्रीम बेस में मिल जाता है। इसको आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस का यूज़ कर सकते हैं, ऑयली है तो जेल बेस का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्किन पर जितने भी अगर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, पिंपल्स हैं तो उन्हें ठीक करेगा, और साथ ही साथ जो उनके गड्ढे रह जाते हैं या फिर जो उनके स्पॉट रह जाते हैं उन्हें भी ठीक करता है। ये आपकी स्किन की रिपेयरिंग करता है, जिस जैसी आपकी स्किन पहले थी वैसी ही हो सकती है अगर इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। तो आपकी स्किन के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके जैसे पिंपल्स और ब्लैक हेड्स होते हैं ये उन्हें भी ख़त्म करता है, जिससे अगर आपके पिंपल्स ब्लैक हेड्स हैं तो वो तो ठीक होंगे ही, साथ ही साथ वो आगे भी बनने से रोके। तो फिर ये सारे एसिड आपकी स्किन पर इस तरह से वर्क करते हैं, बिल्कुल ही सेफ है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपको स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग को किसी भी एसिड का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर। जेल बेस में भी आते हैं और क्रीम बेस में भी आते हैं, और जो मैंने कोजिटिन क्रीम का रिव्यू किया था वो बिल्कुल ही सेफ है। काफ़ी तरह की मेरे पास कमेंट आई है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था ये बहुत जल्दी रिजल्ट आपको नहीं देगा, जो भी आप रिजल्ट आते हैं थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको की स्किन को अच्छा रखेगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अगर आपको जल्दी ही रिजल्ट चाहिए तो फिर आप और भी केमिकल क्रीमें आती हैं, लेकिन वो कुछ दिन आपकी स्किन को सही रखेंगे, फिर जितनी है उससे भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। उनमें भी यही एसिड होते हैं, इसीलिए बिल्कुल ही सेफ़ है। और अगर आप किसी भी एक एसिड का यूज़ करने के बजाय कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनमें इन्हीं में से कोई भी 3 से 4 एसिड हो, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम को ये सारे एसिड एक साथ मिलकर के ट्रीट करेंगे। तो कोजिटिन क्रीम भी इसी तरह से वर्क करती है आपकी स्किन पर। बाद मैंने हयालू जेल का रिव्यू किया था, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को जवान बनाए रखता है, साथ ही साथ पिंपल्स वगैरह होते हैं उन्हें ख़त्म करता है। कुछ एक कमेंट मेरे पास ये भी आई थी, अगर आप हयालू जेल को लगा लेते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। देखिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं ना लगाएं। मैंने मॉइस्चराइज़र को लगाने को इसीलिए कहा था क्योंकि अगर जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली नहीं है उन्हें अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग सकती है। अगर आप मॉइस्चराइज़र ऊपर से लगा लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बाहर से हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन आपको ड्राई नहीं लगेगी। और जो हयालू जेल है उसे आप सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपना वर्क करेगा, और मॉइस्चराइज़र अगर लगाएंगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे जिसके बाद कुछ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपकी मेरी ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। 1 से 2 दिन में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आपके सवालों को लेकर के, जिसमें मैं जवाब देने वाली हूँ। तो आपको जो भी सवाल मुझसे करने हैं आप कमेंट में कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ रहिए।